हाल ही में केरल में एक प्रेग्नेंट हथिनी के साथ हुई घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। लोगों में इस बात को लेकर बड़ा ही आक्रोश देखने को मिल रहा है और आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक इस मामले को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर भी इस मामले की कड़ी निंदा की जा रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक वन विभाग के अधिकारी का है जिन्होंने इस घटना को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो को सुनने के बाद लोग बड़ी तादाद में इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। वीडियो में अभिषेक शर्मा ने जो बातें कही हैं वो सुनकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। इस पूरे वीडियो में अभिषेक ने इस घटना के दौरान हथिनी की क्या हालत हुई होगी उस बारे में कविता के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है। इस वीडियो को अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया है। वीडियो को 3 जून को अभिषेक शर्मा ने अपनी फेसबुक पर शेयर किया था और अब तक इस वीडियो को कई बार देखा जा चुका है। इस पर कई सारे रिएक्शंस भी आ चुके हैं। एक यूज़र ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि सही कहा सर, आपने केरल सरकार को दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। वहीं एक और यूज़र ने लिखा कि जानवर हमें इंसानियत सिखा रहे हैं लेकिन हम इंसानों के अंदर सिर्फ जानवर बचा है जो किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं एक और यूज़र ने लिखा कि सर आपके कहे शब्द दिल में टीस उठा रहे हैं, मेरे आंसू नहीं थम रहे। इस वीडियो पर कई यूज़र्स ने कई सारे कमेंट किए हैं, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सज़ा देने की मांग की है। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा मध्य प्रदेश के शिवपुरी के डिवीज़न में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पद पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और वन विभाग के कामों की जिम्मेदारी को संभालते हुए अभिषेक शर्मा पर्यावरण और जानवरों से प्रेम करने वाले ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं। केरल में हुई इस घटना से उन्हें काफ़ी दुख पहुँचा है और इसलिए उन्होंने हथिनी की मनोदशा के ऊपर एक कविता लिखकर सोशल मीडिया पर साझा की जिसे अभी तक 1 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और कई लोग इसे शेयर कर चुके हैं और इस वीडियो पर कई सारे कमेंट भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ी ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। बचपन में देखा था एक बड़ा सा जानवर, बड़ा था शरीर और बड़ा ताकतवर, लेकिन सबसे प्यारा और निराला था वो साथी। पापा ने बताया उसे बोलते हैं हम हाथी, हाथी मेरे साथी जैसी पिक्चर सबको भाती। फिर क्यों ऐसे जानवर की जान यूं ही चली जाती, खाना ढूंढती उस भूखी माँ ने फल को चबाया, इंसानियत के पटाखे ने उसके जबड़े को उड़ाया, मरते दम तक इंसान को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, उस बेजुबान ने असली मानवता का पाठ पढ़ाया। 3 दिन तक टूटे जबड़े खड़ी रही वो पानी में, अब क्या ही बताऊँ तुम्हें उस माँ की कहानी में। फिर हथनी और बच्चा दोनों गए स्वर्ग से धार, बहुत बड़ा कर्जा हम पर हो गया उधार, इंसानियत तो मर गई अब इंसान कहाँ बच पाएगा, कोरोना साइक्लोन भूकंप और बाढ़ ही तो आएगा, अभी संभल जाओ, पृथ्वी का ना अपमान करो, पेड़ पक्षी जानवरों सबका तुम सम्मान करो। समय बीत जाता है तो फिर लौटना आएगा, मगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 हर साल आएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।